सब्सक्राइब करें नारू का ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड्स कैसे हो, मेरा नाम प्रियदीप सिंह नारू का और नारू का ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ने वाले हैं, यानी कि लाभ और हानि। अब देखिए लाभ और हानि क्या होता है। देखिए कोई पेन है, उसे हमने खरीदा 5 रुपये में। किसमें खरीदा? 5 रुपये में। अब उसको हमने बेचा 10 रुपये में, तो ये क्या हो रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमें 5 रुपये का उस पर लाभ हो रहा है। अब देखिए 5 रुपये में हमने खरीदा और उसी 5 रुपये को पेन को हमने 10 रुपये में बेचा, तो 5 रुपये का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यानी कि वो हो गया हमारा लाभ। अब हानि क्या होता है, हानि वैसी जैसे कि हमने कोई पेन 5 रुपये का खरीदा, अब उसको हमने बेचा 3 रुपये में, तो 2 रुपये की हमारी क्या हो गई, हानि हो गई। देखिए प्रॉफिट में क्या हो रहा है, 5 रुपये का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ। देखिए हमने 5 रुपये का तो पेन बेचा, पेन लिया और 10 रुपये में बेचा, तो ये तो हो गया लाभ। और हानि में क्या है, 5 रुपये का हमने पेन लिया और उसे 3 रुपये में बेचा, यानी कि उसमें 2 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गई। क्या हो गई, 2 रुपये की क्या हो गई, हानि। ओके फ्रेंड्स, आई बात समझ में लाभ और हानि क्या होती है। अब देखते हैं हम CP और SP, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहते हैं विक्रम मूल्य। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय, कॉस्ट, देखिए क्रय यानी कि लेना। अब देखिए हमने 5 रुपये का पेन लिया, तो हमने जो पेन लिया वो तो, देखिए पेन हमने लिया तो वो क्या हो गया, किसी चीज़ को हम लेंगे तो वो तो क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, हमें देखिए उसको दिया, फिर पेन अगर हमने उसको दिया यानी कि लिया, तो वो क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब देखिए द प्राइस विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, यानी कि उस चीज़ को हमने परचेज लिया। ओके, और सेलिंग प्राइस में द प्राइस एट विच एन आर्टिकल दी सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, यानी कि उस चीज़ को हमने दिया यानी कि बेचा। ओके, बात आए समझ में, कॉस्ट प्राइस यानी कि CP और सेलिंग प्राइस यानी कि SP, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब फ्रेंड्स क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो हम जान गए, प्रॉफिट और लॉस भी हम जान गए, तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो सूत्र है यानी कि जो फॉर्मूले वो लर्न करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट दोस्तों, प्रॉफिट की जगह कहीं पर ग्रेन आ जाए, गेन आ जाए, यानी कि GAIN गेन आ जाए, तो उसको भी आप प्रॉफिट ही मान लीजिएगा। प्रॉफिट आप, प्रॉफिट भी आ सकता है और गेन भी आ सकता है। अब देखिए प्रॉफिट कैसे लिया, वही है, अब जैसे दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने एक क्या कह रहे एक चेयर खरीदी, चेयर कितने की खरीदी हमने, 500 रुपये की खरीदी, यानी कि 500 रुपये की खरीदी। अब उस चेयर को हमने क्या करा, बेच दिया, यानी कि अब देखो पुरानी हो गई, तो अब हमने उसको मान लीजिए बेच दिया, तो बेचने के बाद हमने उसको देखिए 500 रुपये में तो लिया, यानी कि 500 रुपीज़ में हमने उसको लिया, और हमने अगर उसको 600 रुपीज़ में बेचा तो क्या हो गया, हमें एक क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी कि 100 रुपये का, यानी कि जो 100 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। ओके, हानि में वही है, जैसे कि हमने वही एक चेयर खरीदी, उसको हमने 500 रुपीज़ में खरीदी, लेकिन हमने उसको बेची 400 रुपीज़ में, यानी कि अब 100 रुपीज़ का हमारे इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि 100 रुपये हमारे चले गए और इसमें 100 रुपये हमारे लाभ हो गए, यानी कि हमारे पास आगे लाभ हो गया हमारा। ओके, अब इसका सूत्र देख लेते हैं दोस्तों। अगर प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा, CP बड़ी होती है किससे, मतलब SP बड़ी होती है किससे,
सीपी से यानी कि सेलिंग प्राइस होता है, बड़ा कॉस्ट प्राइस से। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है, अगर हमें प्रॉफिट है जो हमें परसेंटेज में निकालना है, किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगा, सीपी मिलेगी, तो हम उस सीपी को यहाँ नीचे लिख देंगे और जो प्रॉफिट है उसको ऊपर लिख देंगे, फिर ये अपॉन की संख्या हो जाएगी, फिर उन संख्या को इंटू कर देंगे किससे, हंड्रेड से, और कोष्टक में फिर जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, प्रॉफिट का परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि लाभ का परसेंटेज हो जाएगा। ओके, अब देखिए वही चीज़ हम लॉस में देखते हैं। लॉस, लॉस यानी कि हानि, लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। अब देखिए लॉस में क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस है वो छोटी होती है कॉस्ट प्राइस से। अब देखिए लॉस का उल्टा क्या हो गया, प्रॉफिट। अब देखिए इसमें एसपी है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो तो इसमें बड़ी है, लॉस में क्या है, सेलिंग प्राइस छोटी है, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस बड़ी हो गई, मतलब छोटी हो गई, और लॉस में कॉस्ट प्राइस छोटी हो गई, तो ये चीज़ है इसमें। अब देखिए हमें लॉस दिया है और हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या करना है, लॉस को परसेंटेज में हमें निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, यानी कि हानि को हमें प्रतिशत में निकालना है, तो उसका हमारे क्या क्या फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, प्रॉफिट लिया था, वैसे यहाँ पर हम लॉस ले लेंगे, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा सीपी इंटू 100 हो जाएगा। ओके, 100 कर देंगे, अब इसको इंटू कर देंगे कोष्टक में, जो भी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हानि प्रतिशत में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि जो लॉस है वो प्रतिशत में आ जाएगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमने पढ़ा प्रॉफिट और लॉस, यानी कि किसी भी चीज़ को हमने खरीदा और उस देखिए खरीदा ज़्यादा रुपए में और बेचा कम रुपए में, तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि हानि हो गई। और अगर हमने उसी चीज़ को खरीदा कम रुपए में और बेचा ज़्यादा रुपए में, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे प्रॉफिट, यानी कि लाभ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि समझ गए होंगे, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यानी कि सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो हमारा मोटो है, जिद करो मैथ पढ़ो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।